नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पिंगरे नगर पुणे एयरपोर्ट से नियर बाय के लोकेशन में, बिल्कुल 2-2.5 किलोमीटर के रेडियस में आपको ये प्रोजेक्ट मिलता है, जहां पर आपको कमर्शियल शॉप्स आपके सोसाइटी के नीचे ही मिलेगी। आपको बहुत दूर जाना नहीं पड़ेगा किसी भी चीज़ की शॉपिंग के लिए। यहाँ पर आप सोसाइटी के नीचे की शॉप्स देख सकते हैं, ये ऑलरेडी ऑपरेशनल है। ये प्रोजेक्ट टोटल 13 एकर्स के लैंड पार्सल पर है, जिसका आज हम जो कुछ बिल्डिंग्स इसके ऑलरेडी डिलीवर्ड हैं उसका एक्चुअल व्यू देखने वाले हैं, एक्चुअल वो सोसाइटी देखने वाले हैं, और उसके बाद सैंपल साइट भी देखने वाले हैं इस प्रोजेक्ट का, जहां पर आपको 2 और 3 BHK का 100 प्लस स्क्वायर फीट कारपेट एरिया के साथ ऑफर किए जाने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि हमारे नए वीडियो आप तक टाइम पर पहुंचे। तो अभी हम सोसाइटी के अंदर जाने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। यहां पर है सोसाइटी का गेट, 13 एकर्स के लैंड पार्सल वाली सोसाइटी है, जहां पर 800 फैमिलीज रहने वाली है। उसमें से 500 प्लस फ्लैट्स ऑलरेडी डिलीवर्ड हैं, और ये पुणे एयरपोर्ट के नियर बाय के लोकेशन में आता है, तो यहां पे हाई राइज कंस्ट्रक्शन नहीं है। आपको मैक्सिमम 6 फ्लोर की बिल्डिंग यहां पर दिखाई देगी जो ऑलरेडी बने हुए हैं, और अभी जो 2 टावर्स नए लॉन्च किए गए वहां पर 5th फ्लोर का बिल्डिंग आने वाला है। उसके साथ साथ 100 अपार्टमेंट्स आने वाले हैं, बहुत लिमिटेड इन्वेंटरी रहने वाली है। अगर आप पुणे एयरपोर्ट के नियर बाय के एरिया में प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो आपको ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना चाहिए, और इसकी अधिक जानकारी के लिए आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां से आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं सोसाइटी के अंदर। अगर आपके फैमिली में से किसी का वर्किंग लोकेशन पुणे एयरपोर्ट के आसपास, पुणे सिटी, येरवाड़ा, कल्याणी नगर, कोरेगांव पार्क या विमान नगर के लोकेशन में है, तो आपके लिए यह लोकेशन बेस्ट हो सकता है, क्योंकि यहां पर अफोर्डेबल सेगमेंट का ये प्रोजेक्ट है, जहां पर आपको 2 BHK एंड 3 BHK अप्रॉक्सिमेटली 72 लाख ऑनवर्ड स्टार्ट होता है, जिसका आप ऑलरेडी जो डिलीवर्ड सोसाइटीज है डिलीवर्ड बिल्डिंग से आप देख सकते हैं यहाँ की। उसी के साथ साथ इसकी एमिनिटीज भी रेडी है, हम आए हैं इसके क्लब हाउस के पास। 1 एकर के लैंड पार्सल पे इसकी एमिनिटीज रहने वाली है, जो ऑलरेडी ऑपरेशनल एमिनिटीज है। यहां पर आपका जिम रहने वाला है ऊपर के फ्लोर पे, और यहां पर आपका नीचे स्विमिंग पूल है, किड्स पूल एंड स्विमिंग पूल दोनों अलग अलग दिया हुआ है। और ये सामने जो आपका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, यहां पर अभी 2 टावर नए लॉन्च किए गए हैं। यहाँ पर आपको 2 BHK एंड 3 BHK के अपार्टमेंट मिलने वाले हैं, सिर्फ 100 इन्वेंट्री अवेलेबल है। और यहाँ पर जो आपको बिल्डिंग्स दिख रही है, ये वाला ऑलरेडी सोल्ड आउट है, ये वाला कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है। यहाँ पर आपका इंडोर गेम्स का एरिया है, इसके नीचे बिल्कुल आपका क्लब हाउस, पार्टी लॉन, किड्स प्ले एरिया, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। और नीचे जाने के बाद हम यहाँ के सैंपल फ्लैट का भी टूर करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी एमिनिटीज। ये प्रोजेक्ट में आपको कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल दोनों चीज़ें मिलती है, आपको यहाँ पर शॉप्स भी हैं और यहाँ पर आपके लिए अपार्टमेंट भी अवेलेबल है। टोटल ये जो नए 2 टावर्स लॉन्च हो रहे हैं, यहाँ पर आपको 5th फ्लोर का बिल्डिंग रहने वाला है। इसका पोजीशन टाइमलाइन जो रहने वाला है वो आपका दिसंबर 2026 का एज पर रेरा पोजीशन रहने वाला है, लेकिन सिर्फ 5 फ्लोर कंस्ट्रक्ट करने हैं, और अभी एक्चुअली इसका 1st फ्लोर पर काम चल रहा है, तो बिल्डर के टाइमलाइन के हिसाब से आपको ये आज से लेके 2 साल के अंदर आपको यहाँ का पोजीशन मिलने वाला है, जिसमें से अभी हम 3 BHK के सैंपल का टूर करने वाले हैं, जिसका कारपेट एरिया है 987 और जिसका प्राइसिंग आपको जाता है 95 लाख ऑल इंक्लूसिव। चलिए चलते हैं 3 BHK सैंपल की ओर। एंट्री करते ही आपको यहाँ पे स्पेशियस एंट्रांस लॉबी मिलता है, जो सीधे आपके फ्लैट में एंटर नहीं होता है। अंदर आने के बाद राइट हैंड साइड पे आपका फ्लैट स्टार्ट होता है, और ये है आपका लिविंग। लिविंग के साथ आपको मिलती है यहाँ पे अटैच बालकनी, जो कि आपकी 3-साइडेड कवर रहने वाली है। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। यहाँ पर है आपका 6-सीटर डाइनिंग स्पेस, और यहाँ पर आता है आपका किचन, जो कि एल शेप में दिया हुआ है। आपको यहाँ पे ओपन किचन कंसेप्ट दिया हुआ है, और यहाँ पर आती है आपकी ड्राई बालकनी।
यहाँ पर 2 BHK आपको 729 स्क्वायर फीट कार्पेट एरिया के साथ मिलता है। ये है आपका किड्स बेडरूम। यहाँ पर आता है आपका कॉमन वॉश बेसिन और उसको बिल्कुल बाजू में यहाँ पर है आपका कॉमन वॉशरूम। यहाँ पर है आपका पेरेंट्स बेडरूम विथ अटैच वॉशरूम। यहां पर आता है आपका मास्टर बेडरूम विथ अटैच वॉशरूम एंड अटैच बालकनी। इसके साथ आपको अटैच बालकनी भी मिलती है। और ये देख सकते हैं आप इसका चिल्ड्रंस प्ले एरिया, एमिनिटी का स्पेस। अगर आपको इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं या फिर डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं और डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।